किसी ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, लेकिन इस देश में हमारे पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है, उन्होंने मल्ला का बेटा को पीठ में मलम लगाने का उन्होंने काम किया, इसके लिए मैं सदा आभारी व्यक्त करूंगा। धन्यवाद। एनडीए गठबंधन में इस बात का निर्णय हुआ है कि हमारे जो हम पार्टी के नेता हैं और उनकी जो सीटें हैं वह माननीय नीतीश जी एडजस्ट करेंगे, और विकासशील इंसान पार्टी और माननीय मुकेश सहनी जी को जितनी सीटें हैं वह हम अपने कोटे से देंगे, क्योंकि यह सारे जो ये परिवर्तन हुए विगत 2 दिनों में ही हुआ है, और 2 दिन पहले ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस तरह की भी घटनाक्रम हो सकती है। तो इस 2 दिनों में हम लोगों ने परिवर्तन हुआ, हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी, और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया। माननीय सुशील जी आपको संबोधित करेंगे। माननीय सुशील जी, मित्रों, मैं सबसे पहले श्री मुकेश सहनी जी का एनडीए गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। मित्रों, जैसा कहा भी मुकेश सहनी जी ने कि कांग्रेस आरजेडी ने अति पिछड़ों के साथ हमेशा धोखा देने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी है जिसने अति पिछड़ों को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 अति पिछड़ों को टिकट दिया था, जिसे 12 लोग जीत कर आए, और ये कांग्रेस पार्टी जो 43 सीटें लड़ी बिहार में, एक भी अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र 5 टिकट दिया और जनता दल यू ने 16 टिकट दिया। तो ये जो बीजेपी और जनता दल यू का जो गठबंधन है, इसने हमेशा अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है, और आपको मालूम है कि बिहार के पंचायत चुनाव में हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया था, और आज बिहार में अगर 1600 से ज़्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज के जीत कराए हैं तो ये एनडीए गठबंधन की देन है। और राष्ट्रीय जनता दल ने तो 23 साल तक बिहार में चुनाव ही नहीं कराया पंचायत का, और अति पिछड़ों के हक को उन्होंने मारने का काम किया है, और ये कांग्रेस पार्टी को तो पिछड़ों से कोई मतलब ही नहीं है। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने लागू नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, इन्होंने बिहार में लागू करने का काम नहीं किया। श्री मित्रों, मुझे खुशी है कि श्री मुकेश सहनी, ये केवल निषाद की जो 10 से ज़्यादा उपजातियां हैं, बिंद, मल्ला, गोड़ी, तियर, चाई, ये केवल उसी के नेता नहीं है, ये जो अति पिछड़ा समाज बिहार का, जो बिहार की कुल आबादी का 40% से ज़्यादा है, ये उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अति पिछड़ा समाज को आश्वस्त करना चाहते हैं। अब ये टिकटों की लिस्ट जारी हो रही है, हमारा गठबंधन बिहार में सर्वाधिक सीटें जो हैं अति पिछड़ा समाज की सभी उपजातियों को बिहार के अंदर देने का काम करेगी। तो श्री मित्रों, प्रधानमंत्री जी जब बने 2014 में, तो बिहार के अति पिछड़ों की बहुत बड़ी भूमिका थी, और इसलिए मुकेश सहनी के इस गठबंधन में आने से ये गठबंधन और मजबूत हुआ है। तो जहाँ महागठबंधन से एक एक करके लोग बिछड़ते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अलग हो गया, हम अलग हो गया, वीआईपी पार्टी अलग हो गई, आरएलएसपी अलग हो गया, एक समय में नीतीश कुमार थे वो भी अलग हो गए, लेकिन आज ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है, आज इसमें 4 बिहार के प्रमुख दल जो हैं इसमें शामिल है, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम बिहार में फिर से एक बार 3/4 बहुमत से और सरकार बनाएंगे। तो मैं फिर से एक बार
श्री मुकेश सहनी जी को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए, अपनी ओर से इनके पूरे समाज को और अभी सारे अति पिछड़ा समाज को मैं इसके लिए बधाई देता हूं और अपनी शुभकामना देता हूं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।